तो दो लाइन ये हैं, एक अपने समाज देहात में एक बात गणी फेमस है कि फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, कह रहे फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, कई लोग इस बात का रंडी रोना रो हुए हैं, कह रहे फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में कई लोग इस बात का रंडी रोना रो हुए हैं, और मन ने सुने अपनी बेबे खातर फौजी का रिश्ता टो है, सब तो पहला सारे भाइयों ने ये मातृशक्ति ने राम राम जय हिंद वंदे मातरम। तो बड़े ही सौभाग्य है मेरा तो आज किसी काम तो दिल्ली आ रहा था और एक दिन की छुट्टी लेके बाजम बाजम आए, चिराग भाई तो बात करी कि आज प्रोग्राम है, तो कुछ रचनाएं लिखी थी 2018 में, 2018 में लिखी थी, मैं कश्मीर में था और बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग हुए हैं इसे, खास करके अपना हरियाणा थे जिन्हें कलम की गैल गैल बंदूक चलानी सीखी, हमारे उनके तो पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है जाट मेर सिंह, उस टाइम में कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिख के हम तो उनको छू के भी नहीं गुजर सकते। तो आज का प्रोग्राम, आज की प्रस्तुति में जाट मेर सिंह की चार लाइना तक शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा उड़े पूछ जइयो थम, कह रहे पीली पाटी पूर्व बताए कि पीली पाटी पूर्व बताए दिन लकड़न हो रहा है और कोई तो गया जाग नींद तय, कोई पड़े भी सो रहा है और कोई तो बढ़ गया मोर्चा में और कोई पहाड़ा में राट हो रहा है और मेर सिंह अपने कर्मा ने देख देख के रो रहा है और फिर बिगुल बाज गया लड़ाई का और मुश्किल तक कली चार बनी, फिर बिगुल बाज गया लड़ाई का और मुश्किल तक कली चार बनी और गरु जुड़ेंगे वीर मर्द की आपस में तकरार बनी और जो पाछे का जकर करे उन मर्दा की हार बनी। तो यह जो रचना मैंने लिखी है, लिखी नहीं है, मैंने जी है, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, बस उसको शब्दा में पिरो दिया, एक माला बना दी। और बात थी 2018 की, कश्मीर में थे हम, एक भाई था रेवाड़ी कान का, रेवाड़ी कान का मैं नाम नहीं लूँगा, पत्थरबाजी होने लग रही थी, अब तो बहुत बंद होगी पत्थरबाजी धारा टूटने के बाद, पत्थरबाजी होने लग रही भाई साहब, शुक्रवार का दिन था और ऐसा कोई शुक्रवार नहीं, हालांकि ऐसा कोई दिन ही नहीं था जिस दिन पत्थर नहीं बरसे फौज पर, शुक्रवार का दिन था, पत्थर उस भाई के इतने लगे लहू लुहान पूरा, कम से कम 550-600 लोग थे पत्थर मारनी है और के बिगाड़ ले भाई उनका, गोली मार के आदेश नहीं थे और एक आध आदमी फंस जाके कर ले उसका, कल जा कांप गया था रे, एक आँख में पत्थर लग गया हेलमेट के मह को, मैंने देखी है भाई साहब आँख बार पत्थर भीतर, उसने तो हम ले आए गाल गुल के जिस तरह भी बचा लिया। तो इस ही घटना पे एक दो लाइन है कि जब पत्थर मारनी मार मुर के बाजियाँ हैं या फिर दूर खड़े पत्थर मारे हैं वो आड़े तवाज लिखड़ी कि मेरी पहुँच एक दिन तेरे गिरिबान तक आवेगी, कि मेरी पहुँच एक दिन तेरे गिरिबान तक आवेगी और मेरी आवाज़ एक रोज़ तेरे कान तक आवेगी, कि मेरी आवाज़ एक रोज़ तेरे कान तक आवेगी और पानी की तरिया खून बहाओ अपना, पानी की तरिया खून बहाओ अपना, जब जाके तेरी हैसियत मेरे मुकाम तक आवेगी। ये बात वो आदमी उड़े पड़या पड़या लहू लुहान हो रहा, ये बात उन तक कहने लग रहा था जो उसका पत्थर मारने लग रहे थे, ये बात उसकी आत्मा तले कड़े थी कि पानी की तरिया खून बहाओ अपना, जब जाके थारी अस्थी मेरे मुकाम तक आवेगी। अरे हाथ में हथियार खरिया था, असला बारूद भरिया था, हाथ में हथियार खरिया था, असला बारूद भरिया था, फिर भी मुंह पर थप्पड़ खा लिया, या बात मेरे सबर के इम्तिहान तक आवेगी, या बात मेरे सबर के इम्तिहान तक आवेगी। और मेरी मजबूरियां की गैल गैल मैंने गोली को चलाई, मैंने मारे को नहीं,
कि मेरी मजबूरियां की गैल गैल थारे गुना भी गिने जावेंगे, कि मेरी मजबूरियां की गैल गैल थारे गुना भी गिने जावेंगे, या बात कतल ते लेके नाखूना के निशान तक आवेगी, या बात कतल ते लेके नाखूना के निशान तक आवेगी। अर्थ हम देश तक गद्दारी कर लियो बेशक थारे फायदे का सौदा होगा, हम देश तय गद्दारी कर लो बेशक थारे फायदे का सौदा होगा, लेकिन यह बात एक दिन तेरे नुकसान तक आवेगी, लेकिन यह बात एक दिन तेरे नुकसान तक आवेगी। और तेरी सोच सिर्फ बॉर्डर पार करने तक है, कि तेरी सोच परे ने बैठा है कोई उसने कहने लग रहा है कि तेरी सोच सिर्फ बॉर्डर पार करने तक है, हमारी बात चांद लेके चंद्रयान तक जावेगी, हमारी बात है, हमारी बात है चांद तक लेके चंद्रयान तक जाओगी, और तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे, तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे, तेरी रूह कांप जाएगी जिस दिन जय हिंद की आवाज मेरे गांव के शमशान तक आवेगी। ये बात है जब कोई बंदा शहीद हो जाता है और गांव में आवे, उस टाइम की बात है। अच्छा कि तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे, वो उन तक कहने लगे तो पत्थर मारने लग रहा है उसने, तेरे कान के पर्दे पाट जाएंगे और तेरी रूह कांप जाएगी जिस दिन जय हिंद की आवाज मेरे गांव के शमशान तक आवेगी। और तू उड़े बैठा आग लाने की सोच, तू उड़े बैठा परे ना कि तू उड़े बैठा आड़ आग लाने की सोच है, यूं सोचा मैं सेफ हूँ, अरे कोई बाहर बैठा है अरे कुछ करण लाग रहा है इशारा पे पीछा पे किसी न किसी प्रकार से, कि तू उड़े बैठा और आड़ आग लाने की सोच रहा है, मेरे जीता की आंत तेरे पाकिस्तान तक जावेगी, मेरे जीता की आंत तेरे पाकिस्तान तक जावेगी। जगात का एक एक रूम करना व नहीं न तो बेशक ताली मत बजाइयो, ये बात नहीं है, ये शायर नहीं है, शायरी नहीं है, ये जज्बात है। अर्थ हमने जितने पत्थर मारने हैं दिन भर मार लियो, ये कही कि तुमने जितने पत्थर मारने हैं दिन भर मार लियो, मौत तो मेरी बात हो रही है शाम तक आएगी, कि मौत तो मेरी बात हो रही है शाम तक आएगी। अरे बात आड़ा आ जाए कि उसकी डेड बॉडी शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंच गया है, कि तिरंगे ते सजी फूलना त लदी मेरी बारात, शोक सभा नहीं कहेंगे, शोक यात्रा नहीं कहेंगे, अंतिम यात्रा नहीं कहेंगे, बारात आओगी वाह, कि तिरंगे ते सजी और फूलना में लदी मेरी बारात तेरे शहर ते लेके मेरे गांव तक आओगी। अरे बात उड़ा आ जाए कि शहीद का पार्थिव शरीर गांव में आवे, तो उनके तिरंगे से तिरंगे ते सजी और फूलना तलदी, तिरंगे ते सजी फूलना ते बदलदी मेरी बारात तेरे शहर ते मेरे गांव तक आओगी। इब ये संबोधन किसके लिए है मैं बताऊंगा, कोई नहीं पूछता पहले, और जब कोई अपने गांव गुआंड का शहीद हो जाए तो पजामा कुर्ता पैर पैर के आ जाए, कहीं चौड़े हो गए, मैं बताऊंगा ये बात किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं वोट के चक्कर, कि तिरंगे ते सजी और फूलना ते लदी मेरी बारात तेरे शहर ते मेरे गांव तक आवेगी, और तेरे बंगले वाली शान उतर के उस दिन, तेरे बंगले वाली शान उतर के उस दिन मेरे टूटे मकान तक आवेगी। और धोले कुर्ते पैर के, धोले कुर्ते पैर के बैरे सुनने की कोशिश करेंगे, धोले कुर्ते पैर के बैरे सुनने की कोशिश करेंगे, और मेरी तारीफ करने बेजुबान तक आवेगी, मेरी तारीफ करने बेजुबान तक आवेगी। और तू क्या सोचा है, मैं अलग हूँ, मैं थलग हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राम हूँ, मैं रहीम हूँ, तू क्या सोचा है, मैं अलग हूँ, मैं थलग हूँ, या सुनामी पंडित लेके खान तक आवेगी,
और मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, यह भी कोई सोचने की बात है? बटिया है समाज अपना, बटिया अपना गांव गुआंड, जाति धर्म में, छोटे बड़े में, गरीब गुरबे में, और तू क्या सोचा है कि मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, यह भी कोई सोचने की बात है? कि मैं अच्छा हूँ तू बुरा है या भी कोई सोचने की बात है? जिस दिन सोचना बैठेगा ना उस दिन बात कल्पना से लेके अब्दुल कलाम तक आवेगी। और सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा है था और रहेगा मेरा हिंदुस्तान, यह बात आरती से लेके अजान तक आवेगी। अर्थ हमने जितने पत्थर मारने हैं शाम तक मार लियो, मौत तो मेरी बात हो रही है शाम तक आओगी। और फिर उसके बाद उड़े की हाल हो जाए है, वो ये हैं हमने देखे हैं, उसके बाद वो तो आगे आ रहे वहाँ पे पिछे क्यों या काल उसकी गैल बैठे थे हम राज वो कोनी कि भाइया गैल बैठ भाईचारा ठाठ भी देखी है, भाइया गैल बैठ भाईचारा ठाठ भी देखी है, और मेरी रोटी ले गया होगा मोर्चे में मैंने उसकी बाट भी देखी है, अरे मेरी रोटी लेके आओगा मोर्चा में मैंने उसकी बाट भी देखी है, और काल इस अरे बैठे रोटी खावा थे इकट्ठे हम, दूसरे दिन मनवा खाली खाट देखी है, दूसरे दिन मनवा खाली खाट देखी है, और सोया नहीं हूँ मैं कई रात थे, सोया को ना मैं कई रात थे, आँखा में बे नींद बाकी है, अरे दूरे छोड़ गया प्यारे, वह तन्ने बताए थे वह गीत बाकी हैं, और शायद के बेरा तू आ जाए यार उल्टा, और के बेरा शायद तू आ जाए यार उल्टा, मेरी आँखा में बेउम्मीद बाकी है। तो जितनी ये सभाड़ है बैठी है इन तभी गुजारिश रहेगी, और जितने भाई देखने लाग रहे हैं यूट्यूब पे उन तभी गुजारिश रहेगी, जगात का एक एक रूम करना आया हो आज बितरला पार्ट के बाहर आया हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दियो भाई, फेमस होने की जरूरत नहीं है, सही बताऊं यह बात आम जनता तक पहुंचानी थी बस मैंने पहुंचा दी, और जब जब मौका मिलेगा छुट्टी आए होंगे जब भी कार्यक्रम रहेगा हम जरूर जरूर कोशिश करूँगा बास दौड़ के पहुँचने की। ठीक है भाई साहब, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।